कितने जन आज आनंदित हैं आराधना करने के लिए परमेश्वर की। हालेलुया। कितने जन जानते हैं कि आज परमेश्वर की वो पवित्र प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाकर घुटनों में आकर धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के लिए आगे प्रार्थना में जाएंगे आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक मन एक आत्मा होकर आपकी पवित्र प्रेजेंस में हम मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज वही जी उठने की सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, 6 दिन अपना काम कर और 7वां दिन मेरे भवन में आओ। और पवित्र वचन में ये भी लिखा है कि मेरे भवन में धन्यवाद करते हुए आनंद से जय जयकार के नारे लगाते हुए मेरे भवन में आओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर पिताजी, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जितनी भी आज मीटिंग हो मेरे स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के पवित्र लहू में छिपा देते हैं। थैंक यू जीसस। जितने आ जा रहे हैं लाइव कैमरे को यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपा देते हैं। आज की वर्शिप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपा देते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, आप अपना वचन भेजकर हम सबको चंगा करते हैं और आने वाली तबाही से बचाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, जो आज का पवित्र वचन हो मेरे स्वर्गीय पिता, सभी चंगे किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। और सभी आने वाली तबाही से बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्रशा मंदल अबड़े तेरे लिए से क्षेत्र बोशा मंदर करे बे लिब्राहान दा मनी करे देबरी हिज्जा मंदर करे बे। मेरे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र वचन में लिखा है कि देखो मेरा साफ दास सफल होगा, वह महान होगा, वह ऊंचा किया जाएगा। मेरे स्वर्गीय पिता, जो आपने हमें दास दासी दिए मेरे स्वर्गीय पिता, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक काम में आपके पवित्र कामों में सफल हो, वह महान हो और ऊंचे किए जाए सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्लात्रमशा मंदरी करे बे मैं कलीसिया को परमेश्वर के पवित्र ब्लड में छिपा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इब्राशा मंदल अबदरी करीजा नमखानदरी करे बदरी करे बाका त्रबोशा मंदरी करे बे। मेरे स्वर्गीय पिता, आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। थैंक यू जीसस। इब्राशा मंदल अबड़ी त्रेले बदरी हिजा नमा और इब्राशा मंदल करीजा नमखानदर अबड़े त्रो लोको ते ब्रीके ते हिस्सा मंदरी करे बे। जैसे पंतेकुस्त के दिन 120 लोगों पर वह पवित्र आत्मा उतरा, आग के रूप में उतरा, वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे स्वर्गीय पिता आपने अब हमारे बीच हमारे अंदर डाल दिया। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वही फायर मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी आपने हम लोगों के अंदर डाल दिया। मेरे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो वचन मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी सब लोग सुनने पाए मेरे स्वर्गीय पिता, वह चलने भी पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्राशा मंदरी करबे आपके आत्मा के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिता वह चलने पाए आज के पवित्र वचन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्लाखा त्रबशा मंदरी करबे लिबाहान दबला का डबा कतरी करी जनामा। धन्यवाद मेरे सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और धन्यवाद करते हैं कबूल की आपके स्वर्ग राज में। आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्रशा मंदल अबदरी करी समंदरी करबे सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन में हैं, जितने भी जहाँ पर मसीह की कलीसिया है, सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। श्री ब्रशा मंदल अबड़ी त्रेले हिस्से खेते ब्रिका वखों दो नमुको दिव्य के शाकलासिया मुंटा दिव्या खाता रबा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना बेनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया। थैंक यू जीसस।
जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। सब जन नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब जन अपने स्थानों में खड़े होकर हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे को डिमांड करो तो तुहानू दिता जाएगा। सचमुच एक एक जन जो तुम अज डिमांड करोगे परमेश्वर अगे, परमेश्वर तुम खुदा यीशु नासरी के नाम च देन जा रहा है। ही श्री अला सूर्य इब्रहिंद्री अला शारी अला फ्री सूर्य सो
वचन परमेश्वर जी की जोरदार जोरदार धरनिया महिमा करें। हालेलुया से जोरदार ताड़ियां तारीफ करांगे जीवित परमेश्वर ले। वेले जपदा रवा
जोरदार ताड़ियां नाल तारीफ करांगे जीवित परमेश्वर दे लई। रही ब्लशा क्लो हिंद्र माय समरेला कोरिया लब इब्राटी प्लेस ओर मदे इंदगलामिया सरी मदराया जोब्राली कमरा शंत्रयलो। हालेलुया, असि सब जन परमेश्वर जोरदार तालियां दे नाल महिमा करांगे। Thank you, Jesus Christ।
गैया ने मजा लग गैया ने पाप
वो परमेश्वर सचमुच हमारे बीच में मौजूद है।
तू कला मशी त्रियन सु जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चले दा लख लख दूत मेरी रख लिया कले दा केड़े लफ़्ज़ा ना करा शुक्रिया दा केड़े लफ़्ज़ा ना करा शुक्रिया दा हर पास उदा ही जला मैं क्यों डरा
परमेश्वर जी की जोरदार जोरदार ताड़ी नाल महिमा करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करांगे असीं प्रभु यीशु मसीह वास्ते। असीं सब बैठ जावांगे, अपने अपने स्थान ते बैठ जावांगे, शरीर दे विच बैठांगे लेकिन आत्मा दे विच खड़े रहांगे, आत्मा दे विच जागदे रहांगे चौकसी दे नाल। परमेश्वर दे पवित्र वचन च लिखिया, जदों भी तू मेरी हजूरी दे विच आवे ता अपना पैर चौकसी दे नाल रख। किस तरह रख? चौकसी दे नाल, होशियारी दे नाल। हालेलुया। किन्ने लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस इस जगह ते है? हालेलुया। बाइबल च लिखिया, हे सारे थके हुए लोगो, भार दे थले दबे, मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम दियांगा। मिलदा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वादा आ कि मैं तुहानू आराम दियांगा। बहुत सारे लोग अज भी उस आराम नू लभदे आ, अज भी उस आराम की भाल कर रहे आ, पर यीशु मसीह ने बोलिया मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू आराम दियांगा। कारण की है? प्लीज जिन्हां ने अपनी गवाइयां नू लिखवाया वो बड़े आराम दे नाल उठ के इधर लाइन दे विच आ जाण। जिन्हां ने गवाइयां नू लिखवाया वो इधर लाइन दे विच आ जाओ। परमेश्वर तुहानू सभनां नू आशीष कर चुके आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। जशाया नबी कह की लिखते हैं, जिन्हें हजारों ही साल पहला भविखबाणी कर दी प्रभु यीशु मसीह जी दे आउण दी, ओही परमेश्वर का वह नबी बयान करता है कि जो भी तुसी प्रभु की हजूरी दे विच बैठते हो, प्रभु की हजूरी ते आउने हो, जो अपने पिता नू जान लेंदे हो, ते ना दाएं वेख ते ना बाएं, अथवा ना सज्जे वेख ते ना खब्बे। ये परमेश्वर के मुख चो निकले हुए वाक आ। जिहड़ी मंजिल मैं तैनू दित्ती आ उधर वेख, उधर तक सानू मंजिल नजर नहीं आउंदी क्योंकि सानू देखण दी आदत, यह बड़ी बुरी आदत आ। हालेलुया। कहण तो भाव कि असी आंढी नू वेख, गवांढी नू वेख, मैनू कोई गल्लां करदा, मैनू कोई ताने मारदा, मैनू कोई मेहणे मारदा, असी घरों चलदे आ ते लुका के बाइबल नू लुका के असी प्रभु दी हजूरी च आउने आ। बहुत सारे जिहड़ियां चीजां मैं कन्नां दे नाल सुणियां ते अखां नाल वेखदा मैं उही इस मंच ते बोलदा। बहुत सारे लोग अपने आप नू, हां भैण जी किथे चले? साडे कोई रिश्तेदार दी कोई प्रोग्राम, अज मैं उत्थे चलनी। ते किथे चले आ? चर्च। बाइबल च लिखिया जेकर मेरा इनकार करोगे तो मैं तुहाडा इनकार करांगा। परमेश्वर ने वड्डियां वड्डियां गवाहियां दे नाल खड़ा कीता आ ते गवाही देण तो शर्माउंदे आ, इनकार करदे आ। बाइबल च लिखिया धरती दे शोर तक मेरा गवाह बण। हालेलुया। किन्ने लोग समझ रहे ने? जशाया नबी लिखदे ना ताएं वेख ते ना बाएं, ओ मंजिल नूं वेख जिहड़ी मंजिल मैं तैनूं दित्ती आ। लोगों वाल ना वेखो, लोग की गल्लां करदे ने, लोग की बोलदे ने, लोग ताने मारदे जां मेणे जां गल्लां करदे ने, उन्हां वाल ना वेखो, अपने पिता दे वाल वेखो जिन्ने तुहानू आशीष दित्ती है, जिन्ने तुहानू ओ वड्डी बरकत दे नाल माला माल करन वाला परमेश्वर है, जिन्ने अनंत जीवन दित्ता है तुहानू। हालेलुया। ये तुहाडे मुख दे विचों निकले हुए वर्ड आ। परमेश्वर दे वचन च लिखिया कि हर परफेक्ट वर्ड्स तुहाडे मुख दे अंदर आ, तुहाडी जीभ दे विच आ। की समझ रहे हैं? हालेलुया। अजूब नबी नूं परमेश्वर ने आशीष दित्ती, वड्डी बरकत दित्ती, उहदे उत्ते अपना वड्डा हाथ रखिया, ते शैतान जदों परमेश्वर दे हजूर गया तां उहने बोलिया कि तू कित्थों आया? कहिंदा मैं धरती तों घुम के। ते जदों उहने बोलिया कि उस जगह ते मेरा एक नबी अजूब, उहनूं नहीं वेख्या, कहिंदा तू उहदे आले दुआले स्वर्गी दूतां दी वार रखी, की तू अपना हाथ उहदे उपर नहीं रखिया? अगवाई कर रहा है अजूब नबी दी स्वर्ग दे विच, यहोवा परमेश्वर दे सामने। ते अजूब नबी की कर रहे, की बोल रहे है? वो बोल दे कि जिस चीज तो मैं डरदा, जेड़ी चीज मैं मन च भय करदा, ओहो ही मेरे उत्ते आण पैंदी आ। की बोलिया ने? मुंह दे विचों जिहड़े मुख, मुख तो जिहड़े वर्ड निकलदे आ, वो तुहाडे मुख दे विचों वर्ड जिहड़े निकलदे उहनां दे विच पावर आ।
हाय मेरे सिर दर्द, हाय मेरे पेट दर्द, हाय मैनू इदा हो गया उदा हो गया, उदो ही शैतान उस चीज नू पकड़ कर लैंदा, कहिंदा चल पेट दर्द चल होर पथरी बना दिंदा नाल ही, क्योंकि तुसी मुख तो बोल दिता, जे कि यह चीज बोल दो कि नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम च दर्द तेरा कोई कम नहीं मेरी बॉडी के अंदर, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम च कदी तबका मार के वेखो उस बीमारी नू, उस पथरी नू, उस रसौली नू, जदों उन्हूं लैके बिंदे आ ते शैतान देखदा कहिंदा हां इन, जदों ही तुसी अपने मुंह चों ओ वाक कढ दिता उहदे अधिकार दे विच कुछ भी नहीं आ, शैतान दे उहदे अधिकार च कुछ भी नहीं आ कि वह तुहानू कोई बीमारी ला सके, तुहानू कोई कष्ट च पा सके, जां तुहानू कोई दुख दे सके, उहदे अंडर च कुछ भी नहीं हैगा, वह तुहाडे कोल पावर आ, जदों तुसी मुंह चों बोलदे मेरे उपर इदां हो गया, उदां ही उस वर्ड की वह पकड़ कर लैंदा, उदां ही तुहाडे अंदरों पा दिंदा, ते असीं ना किदां ला दिंदे, हालेलुया, ना दाएं वेखते ना बाएं, अपने पिता दे चलना सीखो कि असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच चलना किदां वा, प्रभु यीशु मसीह सचमुच मैं तेरे कौड़े खाण दे नाल नरोया हो चुका हाँ, नरोई हो चुकी हाँ, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मैं बीमारी तेनू हुक्म दिना हाँ आउट, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, कदी बोल के वेखो, हाए मारे गए लुटे गए बस एहो कुछ, कदी अधिकार दे नाल बोलिया ही नहीं, जिहड़ियां गल्लां तुसीं मुख चों कढ दिंदे हो उही तुहाडे जीवन च पूरियां हो जांदियां, ते प्रभु दे वचन नूं असीं की कर दिंदे हां, प्रभु जी तेरे वचन च लिखिया हे सारे थके हुए लोगो भार दे तले दबे मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देंगा, आराम ही लभदे फिरदे सारी उम्र लंघ जांदी, आराम ही नहीं मिलदा, मिलूगा किदां, बाइबल च लिखिया ना दाएं वेख ना बाएं, उहदी मंजिल नूं तक अपने पिता वल वेख, मैं यीशु मसीह दे नाम च नरोया कीता गया, मैं यीशु मसीह दे नाम च धनी कीता गया आ, मैं यीशु मसीह दे नाम दे विच अनंत जीवन पा चुका वा, स्वर्ग दा वासी हां मैं, बनना नहीं है मैं स्वर्ग का वासी हां, कदी बोल के ते वेखो मन तो, हालेलुया, सो परमेश्वर तुहानू सभना नू आशीष कर चुके आ, तुसी बहुत वड्डियां गवाइयां दे नाल खड़े हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, कदी बोल के वेखो अपने मन तो, अज दी गवाइयां दे वास्ते एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करांगे, जोर दे नाल जोर दे नाल, हालेलुया, प्रॉफिट जी इन्हों का नाम परमजीत कौर है और ये वीला बज्जू तो आए हैं और ये अपनी गवाही विच दस रहे कि पिछले 3 दिनों तो इन्हों के सिर विच बहुत ही ज़्यादा दर्द रह रही थी और दस रहे ने लगातार मेडिसिन खाधी बट कोई भी फर्क नहीं पिया और दस रहे कि अज सवेरे ज़्यादा प्रे करते पे से, दस रहे ने कि प्रे करते करते इन्होंने देखा कि परमेश्वर जी के दास इन्हों के कोल आए ते उन्होंने इन्हों के सिर उत्ते हाथ रखा, यह दस रहे ने कि उस दर्शन तो बाद जब इन्होंने अपने आप नूं चेक किया, यह दस रहे ने कि इन्हों की जी सिर की दर्द सी वह बिल्कुल खत्म हो चुकी सी, प्रभु यीशु मसीह के नाम अज सब जोर ताड़ी ने परमेश्वर जी की महिमा करांगे इस गवाही दे लई, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, हालेलुया, ये अपनी दूसरी गवाही विच दस रहे ने कि प्रॉफिट जी जब तुहाडे द्वारा घोषणावां कीतियां जांदियां सी कि जिन्हां दी भी सरकारी नौकरी है ते जिन्हां दी तनखावां रुकियां होईयां हन जां नहीं आ रहीआं ओह वधन जा रहीआं ने नाल उहनां नूं मिलन जा रहीआं ने और ये दस रहे ने कि जद इन्हां ने उस घोषणावां नूं मंत्र रिसीव कीता ये दस रहे कि जिहड़ी इन्हां दी तनखाह आ ओह प्रभु यीशु मसीह दे नां विच वध चुकी आ, असीं सब तों जोरदार ताड़ी नाल परमेश्वर जी दी महिमा करांगे इस गवाही दे लई, ना घबरावीं मैनू बुलावीं ओह सदा मैनू कहिंदा ऐ, ना डर जावीं ना घबरावीं मैनू बुलावीं ओह सदा मैनू कहिंदा ऐ, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा ऐ, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा ऐ, यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा ऐ, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहिंदा ऐ, प्रॉफिट जी ए सिस्टर इन्हों का नाम कवलजीत कौर है, ये वीला बज्जू तो आए हैं,
ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਵੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਵੇਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵੇਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FD ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ FD ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ FD ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੇਰੂਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 5,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ
गुड फ्राइडे डे वाले दिन इधर चर्च में आई सी ते बर्थडे ही मेरा शनिवार ते मैं पापा जी मम्मा जी अगे भी प्रार्थना की मैं चर्च जाके प्रार्थना की कि प्रभु जी तू सब कुछ कर सकता वा कि मेरी इच्छा वा कि मेरा सवेरे बर्थडे आ ते कोई भी मेरा प्लैन नहीं हैगा कि मैं मनाना वा ते प्रभु मैनू कोई राह नहीं देखता ते मेरे वास्ते ना मैं प्रे अपने वास्ते प्रे की रो रो के घरे कि प्रभु तू किन्ना महान वा ते फिर मैनू पेपर वास्ते मैडम ने बुलाया कि तू मनप्रीत कौर पेपर पहुँच जाना बबगला साहिब ते फिर मैं उत्थे पेपर पाउण गई सारियां कुड़ियां मेरे नाल जांदियां सी ते मैं बड़ा रोई कि प्रभु वह मेरे वास्ते चले वह अपने वास्ते पेपर पाउण चले गईआं ते क्यों नहीं मैनू भेजिया मैडम ने कि मेरा लिस्ट विच नाम बोलदा वा ते मैनू क्यों नहीं भेजिया ते फिर मैडम कहिंदे कि मनप्रीत कौर तू डर ते घबराना कि तू वी जा चुकी पेपर पाउण ते तू टेंशन ना लै फिर मैं पेपर पाउण गई ते फिर उस तों अगले दिन मैसेज आया कि मनप्रीत तू पेपर विच पास हो चुकी हाँ 40 मार्क्सां दा पेपर ते पूरे 40 नंबर ही आए ते फिर उस तों अगले दिन मैं वजीफा स्कॉलरशिप अप्लाई करवाउण गई ते मैडम ने कहा कि मनप्रीत तू पास हो चुकी हाँ ते तैनूं हुण स्कॉलरशिप नाल ब्लैस तू हो चुकी हाँ ते मैं परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ कि प्रभु ने मैनू अगवाई नाल खड़िया किया मैं मेरी आस टुट चुकी है कि मेरी कदे भी स्कॉलरशिप नहीं आनी तो ना मैं पेपर पहुँच जाऊँगी तो फिर भी मैं प्रार्थना की तो सुमन दीदी को भी प्रे करवाई तो सुमन दीदी कहती कि मनप्रीत कौर टेंशन ना लै डर ना तू पेपर पहुँच चली गई हाँ फिर मैं बबगला साहिब पेपर पहुँच गई तो घर वापस आई तो थोड़ा ही टाइम हो फिर उस तो अगले दिन मैंने फोन आ गया तो सारिया कुड़िया कहें कि मनप्रीत कौर स्कॉलरशिप भी आ चुकी कि तू पास हो चुकी हाँ 40 मार्क्सों का पेपर ही तो 40 नंबर ने प्रभु ने ब्लैस किया मैं कदे सोच भी नहीं सकता कि पास होगी मैं पेपर में कि एक पेपर में मैं सिर्फ हले पास हो सकी हाँ कि मेरी बोर्ड की क्लास ही 10th की हले मैं बाकी पेपर का पता नहीं हले की होगा तो पर मैं प्रभु ने एक पेपर च पास कर दिता वा कि वह मैन मेरा लिस्ट में ना आया तो मैम ने बोलिया कि मनप्रीत कौर तू पेपर पहुँच जाना वा कि कोई मैनू उत्थे पेपर पाउण मैं जो गई तो कोई जानता नहीं तो कोई पहचानता नहीं कि सारे मतलब कि दूर दूर तो बच्चे आए ही तो मैं भी गई फिर तो मैं बड़ा वधिया लगा मेरा पेपर बहुत वधिया होया प्रभु यसनसी दे नाम विच आमीन हालेलुया परमेश्वर जी ने इन्हां नूं इस जगह ते प्रभु दे दास दे द्वारा बोलिया जांदा कि सचमुच परमेश्वर जी तुहानूं नवीं चीजां दे नाल ब्लैस करन जा रहे हैं और इन्हां दे कोल कोई साधन नहीं सी और कोई साधन नहीं हैगा कदे सोचा भी नहीं हाडे कोई एक्टिवा ते एक्टिवा बहुत खराब कर दी सानूं ते वी प्रभु ने कहा कि प्रभु सानूं इन्ने सारा कुछ दिता अगे सानूं वॉशिंग मशीन नाल रूम हीटर नाल बूफरां नाल ब्लैस किया परमेश्वर ने इन कहा प्रभु जे तू इन्ना सच्चा तो सारियां नूं सब कुछ देना वा काश मेरी हुण एक इच्छा पूरी कर दे कि मैनूं साधन नाल ब्लैस कर दे ते पापा जी रोज़ ही कहिंदे आ कि सारे मंगण वास्ते प्रे करदे आ कदी मतलब कि परमेश्वर का आत्मा नहीं मंगदे गैर भाषा नहीं मंगदे मैं परमेश्वर को सब कुछ मंगदी कि प्रभु तू हर एक नूं दे मैं यह नहीं चाहुंदी कि मैनूं कल्ली नूं दे हर एक 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 यंग दा भला भी कर ते हर एक नूं दे मैं यही चाहुंदी कि प्रभु हुण मेरा भी घर बने ते तेरा भी घर बने ते जिथे भी घर लैणा चाहुंदा अपना मैं यही चाहुंदी कि प्रभु जिद्दां मैनूं न्यू बाइक नाल ब्लैस किया ते हुण मैनूं नवे घर नाल भी ब्लैस करी ते अपने घर नाल भी ब्लैस करी आमीन एक बार जोर दे नाल असीं महिमा करांगे प्रॉफिट जी ये सिस्टर इन्हों का नाम प्रीत है ये पिंड मध तो आए ने यह अपनी गवाही दे विच दसदे ने इन्हां दी ननान दी गवाही है ये दसदे कि इन्हां दे उन्हां दी मैरिज नूं 5 साल तो प्लस हो गए सन और उन्हां दे कोल कोई भी बच्चे की आशिश नहीं सी और वह बहुत ज़्यादा परेशान सन और ये जिहड़ी एक शर्मिंदगी आ बहुत लोगों के सामने खड़े नहीं सी हो सकते और हमेशा वह रोंदे सी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे विच सी ये दस दे कि साडे को देखिया नहीं सी जांदा और ये प्रभु की हजूरी दे विच बने रहे और इस जगह ते जदों प्रॉफिट जी द्वारा घोषणा की जा रही थी कि सचमुच
जिन्हां दे कोल भी बच्चे की आशीष नहीं है और इस साल परमेश्वर उन्हां नूं बच्चे दे नाल ब्लेस करन जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। इस शर्मिंदगी तो वह आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। ये दस दे कि सचमुच ये परफेक्ट वर्ड्स इन्होंने अपनी सिस्टर दे वास्ते इन्होंने रिसीव किए और सचमुच ये दस दे कि ऐसे साल परमेश्वर जी ने सचमुच इन्हों की ननद नूं जिहड़ा सी ओह ब्लैस किया प्रैगनेंट होए। अज सचमुच इन्हों नूं परमेश्वर जी ने उस शर्मिंदगी तो बचाया और बेटे दे नाल ब्लैस किया। इस वड्डी ते अद्भुत गवाही दे लई प्रभु जी का प्रभु दे दास दा तहे दिलों धन्नवाद करदे ने। जोर दे नाल असीं महिमा करांगे। पापा घोषणावा कर देंदे मैं बहुत ज़्यादा रोनी नहीं। सारे आंढ गुआढ़ियों को कहते हैं 5 साल हो गए ढाडी ननद उन्हें कभी भी प्रैगनेंट नहीं सी होए। साडा विश्वास एक परमेश्वर से ही अं पापा को प्रे कराने नहीं नाउंटिंग ऑयल लैके जाने डेली जो जाइए ही उन्होंने दिने पेट से बस ऑयल ही लाइन होंगी तो पापा को प्रे कराते होंगे ही भी पापा जी साढ़े जीवन में बहुत वड्डी शर्मिंदगी आ। और जो भी मैंने फोन करते हैं अं भैन जानते हैं बे ना बच्चा हो कि शर्मिंदगी होंगी साढ़े जीवन उन्होंने गल्लां बहुत सुननिया पैंदियां ही गल तलाक तक पहुँच गई ही अं क्या कोई ना हाँ परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हाली सब कुछ कर सकता वा। फिर अं मैं ऑयल लैके गई पापा को प्रे कराई मम्मा नूं क्या मम्मा जी प्रे करो अं उ चले अं जिदन गोद भराई करवाउण गए बहुत ज़्यादा खुश ही 2.5 महीने वह प्रैगनेंट रही फिर अं गवाही भी दी ही तो परमेश्वर ने साडी शर्मिंदगी दूर की। परमेश्वर के लहू च इन्नी ताकत है ना मैं सारिया भैनों कहनी जे प्रैगनेंट नहीं आ सिर्फ परमेश्वर के लहू लाओ तो बच्चा जो शिशत मिलती सारियां जिदा परमेश्वर ने अज सानू वड्डी गवाही नाल खड़ी किया सारिया भैनों बेटे नाल ब्लैस करे परमेश्वर पिता साढ़े जीवन च एड्डी वड्डी शर्मिंदगी परमेश्वर ने दूर की सानू आंढ गवांढी कहिंदे ही ढाडी ननद कभी प्रैगनेंट नहीं हुई सारिया के जेडे मैरिज इकट्ठी हुई सारिया के बच्चे दो हो गए सानू सिर्फ परमेश्वर से भरोसा भी साडा जिंदा परमेश्वर साडी शर्मिंदगी दूर करूगा। अज परमेश्वर ने सानू वड्डी आशीष दी आ बेटे नाल ब्लैस किया वा मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर दे नाल महिमा करांगे असीं। किन्ने लोग इस जगह ते भविखबाणी जो प्रभु दे दास दे द्वारा बोलिया गया सी कि सचमुच सैमुएल वर्गे बेटे जिहड़े आ परमेश्वर तुहानू दे रहे आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। किन्ने लोगों ने प्रोफेसी सुनी सी ए असीं गवाह आ इस चीज दे और सचमुच देर हो सकती आ हनन नूं भी बड़ी देर हो गई सी पर सचमुच सैमुएल वर्गे वह नबी पैदा होंगे जो देर हो जाती है। हालेलुया वह वड्डी आशीष होंगी जो कि देर होंगी थोड़ी तो घबराओ ना। जिस तरह अजूब नबी ते परमेश्वर का हाथ सी इदा ही तुहाडे उपर भी हाथ है। हालेलुया किन्ने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर का हाथ हमेशा तुहाडे उपर है बस आप स्वीकार करना है। और सचमुच हुण जिहड़ा परमेश्वर नूं वेखण दा समा सी जिहड़ा अगला समा वा उह परमेश्वर दे नाल गलबात करन दा समा आ। और अपने बच्चियां नूं जरूर कंट्रोल दे विच रख्या करो उठण बैठण ना करा करो तुहाडा ध्यान सिर्फ इस मंच ते होवे। और सचमुच अज दे पवित्र वचन वास्ते प्रभु दे दास वास्ते एक बार जोर दे नाल जबरदस्त क्लैपिंग करांगे। धन्यवाद पिता हम प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और पवित्र नाम में आपकी पवित्र हजूरी में खुदावन आपका वचन यूं कहता है इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच पिता आप हमारे साथ इस युग के अंत तक हैं आपका आत्मा खुदावन इस युग के अंत तक हमारे साथ है खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ये हजूरी ये प्रेजेंस ये ग्रेस खुदावन आपकी उस कृपा को खुदावन जो मसीह यीशु में हम पे की गई है खुदावन सबके ऊपर खुदावन यीशु मसीह के नाम में बढ़ती जाए। आमीन 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 आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की प्रार्थना दीजा। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना जो मिली कि सो ये लबहूर सी सियात हीसा। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया
हालेलुया। सबसे पहला जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला, तौबा करो स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया। तौबा करो स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो स्वर्ग की चीजें संसार को, मनुष्यों को, आदमियों को, हालेलुया, दे सके। आपको और मुझे स्वर्ग की चीजें दे सके। बोलो स्वर्ग की चीजें। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मेरी है तो मुझे मिल जाएगी। चल जी, रब ने देनी होगी दे दूंगा, नहीं देनी होगी तो रहन देगा। हालेलुया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को लगता है ना, अच्छा ठीक है, अगर परमेश्वर ने देनी होगी तो दे देगा, अगर मेरी होगी तो मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। अगर किस्मत में होगी तो मुझे मिल जाएगी। बाइबल साफ कहती है, सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऑल थिंग्स आर योर्स, सारिया चीजें तो हड्डियां हैं। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं लिखा कि अगर होंगी तो मिल जाएंगी। हालेलुया। 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 फिर कौन है जो आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखता है? कौन सी चीज ब्लेसिंग को रोक के रखती है? हालेलुया। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी हो, मेरा कारोबार अच्छा हो, मेरी अच्छी सेहत हो। हालेलुया। मेरे पास अच्छा घर हो। हालेलुया। हर अच्छी चीज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे खुद के जीवन में हो। तो भी हम इंतजार करते रहते हैं कि परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, रब दऊ गई कोई गल नहीं तो देगा ही, वो ऐसे सोचते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या परमेश्वर भी ऐसा ही सोचते हैं? जब तक आप परमेश्वर की चीजों को समझते नहीं हो, हालेलुया, जो आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं, तब तक आप वेट करते हो। अभी वेट करना कि चीजों को अपनी जिंदगी में लेना, और इंतजार करना चाहते हो कि चीजों को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हो? और इंतजार करना चाहते हो? हालेलुया। अभी इंतजार करना चाहते हो और कि बस? हालेलुया। समय बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है और बीतता जा रहा है बड़ी तेजी से। हालेलुया। कब आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करोगे? कब तक ढीली ढीली मसीह जिंदगी जियोगे? कब तक? हालेलुया। प्रशद प्रशदीज क्लुमा क्लास सक्रिय लेसीसा लुबु शदा सबरा बलाबा शरीसा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आइडल छोड़ देते हैं कि परमेश्वर इनको जैसे चलाएगा मैं वैसे ही चलता रहूंगा। मेरी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, जो परमेश्वर चलाएंगे, हालेलुया, तो उन्हीं के अनुसार मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। डायरेक्टली परमेश्वर आपकी जिंदगी आपके हाथों में दे देते हैं कि आप इसे चलाओ, आप इसे चलाओ, अपनी जिंदगी को खुद चलाओ। हालेलुया। हालेलुया। सुने मेरी बात ध्यान से। जिसको लोग संसार कहते हैं, कुदरत कहते हैं, बाइबल में लिखा है संसार में तुम्हें कष्ट है, इस जगत में तुम्हें कष्ट है। हालेलुया। और लिखा हौसला रखो, मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने जगत को। हालेलुया। दो चॉइस आपके पास हैं। बिल्कुल आइडल आप अपनी जिंदगी को छोड़ सकते हो और परमेश्वर के वचनों के सहारे छोड़ सकते हो। हालेलुया। या फिर संसार के सिस्टम के द्वारा जो भी लोग जी रहे हैं, चाहे मसीह में है चाहे नहीं है, उसके द्वारा आप, हालेलुया, आप जी सकते हो। आप अपनी जिंदगी को छोड़ सकते हो वैसे ही जीने के लिए जैसा सिस्टम चलता आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। या फिर आप अपनी जिंदगी को खुद रिजाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से। घर आपकी मर्जी का, गाड़ी आपकी मर्जी की, आत्मिक लाइफ आपकी मर्जी की, प्रेयर लाइफ आपकी मर्जी की। हालेलुया। नौकरी आपकी मर्जी की, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वो कंट्री आपकी मर्जी की। हालेलुया। जो कारोबार करना चाहते हो उसका लेवल आपकी मर्जी का, ये सारा कुछ आपकी मर्जी का भी हो सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। थोड़ा ऊंचे बोले हालेलुया। हालेलुया। सारी चीजें आपकी मर्जी की भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो सिस्टम से हो, जो हो रहा है हालेलुया, जो संसार में हो रहा है वैसे होता रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपका एक दुश्मन है जिसको बाइबल में लिखा है शैतान, उसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं पर फिर भी मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीजों को, जो चीजें ऑलरेडी आपकी हैं, ताकि वो आपकी जिंदगी में ना कर हो पाए या ना आ पाए या आप ना ले पाओ ना जी पाओ। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी से चीजों को रोकता है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि अच्छी चीजें आप ना ले पाओ और यीशु मसीह के नाम को शर्मिंदगी मिले, जैसे अभी ये बहन गवाही दे रही थी। हालेलुया। कि लोग बोलते थे, हालेलुया, कि सभी के बच्चे हैं, तुम्हारी ननद के बच्चा नहीं है, तो शर्मिंदगी थी। हालेलुया। तो शैतान बिल्कुल ऐसा ही चाहता है कि आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी बनी रहे। हालेलुया। 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 अगर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग या अच्छी चीजें नहीं आ पा रही जानते हुए भी, हालेलुया, तो उनके रोकने वाला शैतान है, कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप दुखी हो। आप चाहते हो कि आपके बहन भाई, आपके बच्चे दुखी हो? आप चाहते हो? तो परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप दुखी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप दुखी हो। परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप बीमार हो। परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आपके घर में क्लेश हो। हालेलुया। हालेलुया। तो डेविल जो शैतान है, हालेलुया, वो आपकी चीजों को, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। दूसरी चीज है नॉलेज की कमी। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग ज्ञान के बिना दुख भोगते हैं, मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी कमी है लापरवाही की। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भी विश्वास नहीं करते। बीमारी में चलते रहते हैं, गरीबी में चलते रहते हैं, तंगी में चलते रहते हैं, सुन के भी। हालेलुया। हालेलुया। वचनों को सुन लिया, समझ लिया, फिर भी लापरवाही करते हैं उनको बोलने में, उन विश्वास करने में। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह ने बोला, विश्वास करने में ढीले लोग। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और दो बंदे उनके साथ बात कर रहे थे, हालेलुया, पंजाबी चपा की गल, एक उन्होंने मास्टर सी क्लियोपस। हालेलुया। लुका किताब में लिखा 28 आयत में, और पंजाबी च बड़ा वधिया लिखा, हे प्रतीत करन दे विच ढिल्यो। हालेलुया। सीख लेते हैं लोग, विश्वास करते मैं ढीले हैं, चलो कोई बात नहीं। हालेलुया। 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 कुछ लोग होते हैं जो सुन लेते हैं प्रभु की बातों को, विश्वास करने में ढीले होते हैं। चौथे नंबर के लोग होते हैं जो फॉल्स टीचिंग को सुनते हैं, गलत शिक्षा को जब सुन लेते हो आप, हालेलुया, तो भी आप इंतजार करते हो। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने शरीर में आकर, बॉडी में आकर, हालेलुया, शैतान के कामों को खत्म कर दिया। हालेलुया। जैसे अभी आपके मान लो मुख्यमंत्री हैं बादल साहब, हालेलुया, आपके मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? कौन बोले तेरा नाम किया? मुख्यमंत्री कौन है? बादल है। कौन है भाई? बादल है। कौन है? उच्ची तो बोलो जरा। भगवंत मान। हालेलुया। 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 शैतान के पास एक प्रॉपर टाइम था, जैसे उस मुख्यमंत्री के पास क्या था, प्रॉपर टाइम था जब उसका राज्य चलता था। हालेलुया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी एज को, उसके टाइम को खत्म कर दिया क्रॉस के ऊपर। किसको समझ में आई? पढ़े जरा बाइबल में यूहन्ना 16 उसकी 33।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के हाथ में है। पढ़ें जरा पंजाबी में इस चीज को दोबारा से। मैं एक गल्ला तहानू इसलिए आखियां जो तहानू मेरे विच शांति होवे, मसीह विच शांति होवे। जगत विच तहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जगत नू जीत लिया है। यीशु मसीह का है जगत, सारे का सारा जो शैतान के पास था। कभी वो पहले मुख्यमंत्री था, क्रॉस पे चढ़ने से पहले वो मुख्यमंत्री था, अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये समझते हो, हालेलुया, ये समझते हो, हालेलुया, कि जो बंदा रिटायर हो गया, जो बंदे का टाइम बीत गया, अभी भी वही काम कर रहा है, हालेलुया, तो आप फाइट करते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये समझ जाओगे कि यीशु मसीह जिसने मेरे लिए शरीर में आकर, बॉडी में आकर, हालेलुया, क्रॉस के ऊपर जान दी, अभी सारा कुछ किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। वो जो झूठ आपको शैतान बोलता है कि नहीं ये चीजें आपकी नहीं है, आपको लगता है वो संसार की नहीं है, बाइबल में साफ लिखा है सभी वस्तुएं आपकी हैं, सारी चीजें तो हड्डियां हैं, ऑल थिंग्स आर योर्स। कौन सी भाषा में समझ आता है आपको, उसी में बोल देता हूं। संसार की वस्तुएं आपकी हैं, हीलिंग आपकी है। कब तक आप झूठ को सच मानकर और बीमार बनकर चलते रहोगे, बूढ़े होकर भी कब तक झूठ को सच मानते रहोगे, कब तक? मसीह में आप धनी किए गए हो, कब तक आप गरीबी से लड़ते रहोगे, कभी तक, कब तक अपनी जरूरतों से लड़ते रहोगे, मुझे मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, कब तक लड़ते रहोगे आप? क्या जरूरत है आपको लड़ने की? नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम विश्वास की ढाल ले लो ताकि शैतान के सारे अग्नि बाणों को बुझा सको। कुछ भी नहीं करना, कोई उसको कुछ नहीं करना, हालेलुया, सिर्फ विश्वास करना, हाँ ये चीजें मेरी हैं, हाँ ये हीलिंग मेरी है, हाँ ये नौकरी मेरी है, हाँ ये वीजा मेरा है, हालेलुया, हाँ ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा है, हाँ ये कारोबार मेरा है, यीशु मसीह के नाम में बढ़ चुका है, हालेलुया। कब तक आप विश्वास की लड़ाई लड़ते रहोगे, कब तक? जो बीत ही गया, जिसका अस्तित्व है नहीं, जिसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, उसके उसके साथ क्यों लड़ रहे हो आप? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। पहला जो 3:8 में पढ़ना, क्या लिखा? पहला जो 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्यों का बुरा करता रहा, क्या करता रहा? बुरा। पर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि उसके कामों को नष्ट कर दे। जब वो क्रॉस पे प्रकट हुआ, जिस हालेलुया, जब मुर्दों में से जी उठ के लोगों के ऊपर प्रकट हुआ, तो उसने क्या किया? शैतान के सारे कामों को खत्म कर दिया। कर दिया कि करेगा? कर दिया। फिर से पढ़ना इसको। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। उसके कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। अभी जब उसकी पावर मतलब कामों को, हालेलुया, मान लो हर एक चीज का कोई ना कोई काम है, मान लो माइक का भी कोई काम है ना, आवाज देता ना, हालेलुया, अगर इसकी आवाज बंद हो जाए, हालेलुया,
जिस चीज की पावर ही खत्म हो गई, जिस चीज की अथॉरिटी खत्म हो गई, वो काम कैसे कर सकता है बताओ? जब तक आप नहीं मानते कि मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मुझे जी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, हालेलुया, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। जब तक आप विश्वास नहीं करते कि मैं यीशु मसीह के घोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, हालेलुया, हालेलुया, वो कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आपको शुरू करना होगा, कभी ना कभी तो शुरू करोगे, कभी और भी इंतजार करना। हालेलुया, उसके अंदर पावर नहीं है। आपका अविश्वास उसको ताकत देता है काम करने के लिए। आपका अविश्वास उसको ताकत देता है काम करने के लिए। हालेलुया, आपका आपकी लापरवाही उसको देती है, हालेलुया, उसको ताकत देती है काम करने के लिए। परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ना होना उसको ताकत देता है काम करने के लिए आपकी लाइफ में। हालेलुया, अगर आप अवेयर हो कि हाँ उसकी ताकत यीशु मसीह के नाम में खत्म है, उसकी अथॉरिटीज का अधिकार यीशु मसीह के नाम में खत्म है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो 2024 साल पहले जब वो शरीर पे चढ़ा था, क्रॉस पे चढ़ा था, उस टाइम पे उसने उसकी अथॉरिटी को खत्म कर दिया, उसके अधिकार को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, अगर आप उसी झूठ को जो शैतान शुरू से बोलता आया, हालेलुया, हालेलुया, उसी झूठ को जो शुरू से बोलता आया लोगों को, नहीं तुम बीमार हो, तुम कमजोर हो, तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हालेलुया, 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 वो झूठ बोलता आया लोग मानते गए, हालेलुया, अगर उसी झूठ को आप फिर से मान लेते हो तो आप वैसी ही जिंदगी जियोगे जो शैतान ने पुराने नियम में लोगों को दी थी, सताव वाली जिंदगी, बीमारियों वाली जिंदगी। हालेलुया, अभी नया जीवन जीना चाहते हो कि नहीं, कि पुरानी जिंदगी जीना चाहते हो? बीमारियों वाली, तंगियों वाली, गरीबी वाली, कर्जे वाली वही जिंदगी जीना चाहते हो अभी भी, कि नहीं जिंदगी जीना चाहते हो? हालेलुया, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो आप, बीमारियों वाली या महिमा वाली, दुखों वाली या सुखों वाली, सुखों वाली, आराम वाली या कष्ट वाली, आराम वाली। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर रोमियो की किताब में प्रभु का दास इसी के बारे में लिख रहा है, रोमियो 6 उसकी 4 में बड़े अंदर क्या लिखा है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन सी चाल चलें। नए जीवन सी चाल चले। हालेलुया, सुने मेरी बात, ध्यान से सुनना। हाथी देखे हैं आपने, सबने फोटो देखी होगी, हाथी देखे नहीं तो फोटो तो देखी होगी। हालेलुया, जब जंगल में से हाथी को पकड़ के लाया जाता है ना, उसको मोटे मोटे संगल डाल के ना उसके पैर में उसको बांध दिया जाता है, मोटे मोटे संगल डाल के, बड़े से पेड़ के साथ या बड़ी किसी चीज के साथ, हालेलुया, उसको बांध दिया जाता है, उसको थोड़ा बहुत खाना पीना देते रहते हैं, हालेलुया, एक महीना, दो महीने, चार महीने, छह महीने वो वहां पर बंधा रहता है, हालेलुया, तो उसको आदत बन जाती है पेड़ के साथ बंधे रहने की, दरख्त के साथ वो बंधा रहता है वहां पर, हालेलुया। फिर बाद में क्या करते हैं, उसको अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, जब उसको आदत बढ़ गई ना वहां पर बंधे रहने की, उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए, लकड़ी ढोने के लिए या बाकी बड़े कामों के लिए। हालेलुया, जहां पर साधन नहीं जा पाते हैं वहां पर हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, जब हाथी की आदत बन गई ना, उस पेड़ के पास जाना है और वहां पर खड़े रहना है, हालेलुया, फिर इसको पतली सी रस्सी से बांध देते हैं, पतली रस्सी के साथ, डोरी के साथ, ऐसी ऐसी रस्सी के साथ बांध देते हैं, मान लो, हालेलुया, फिर वो रस्सी को तोड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं, उसको पता है मैं इसके साथ बंधे रहना मैंने। किसको मेरी बात समझ में आई? किन लोगों को पता है इस चीज का? ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे हाथियों को बांध के रखते हैं, ऐसे ही करते हैं उनको। हालेलुया, अभी लोगों ने सीख लिया शैतान के साथ रहना, उस संगली के साथ उन्होंने सीख लिया। बेशक आपको
परमेश्वर को आत्मा दिया गया, परमेश्वर की ताकत आपके अंदर डाल दी गई, हालेलुया, बिना शक। आपके अंदर किसकी ताकत है? परमेश्वर की, परमेश्वर के बराबर आपकी ताकत है। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे बाद मेरे से भी बड़े काम करोगे, हालेलुया। वो ताकत बेशक आपके अंदर डाल दी गई है, पर संसार से आपने सीख लिया नहीं मुझे तो बीमार रहना, लोग भी तो बीमार होते ही हैं, वो भी तो गरीब है, उसका भी तो काम नहीं बन रहा, तो उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हालेलुया। ये काम तो जी ऐसे ही चलते, ए तो जी इदा ही चलता, संसार तो इदा ही चलता है। आपको संसार में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, आपको परमेश्वर ने संसार से अलग कर लिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने चुना आपको ताकि आप यीशु मसीह के सिस्टम से, परमेश्वर के सिस्टम से चल सको, ना कि संसार के सिस्टम से चल सको, हालेलुया। अभी आपकी ताकत कैसी है? उसी हाथी के जैसी तगड़ी ताकत अभी भी आपके अंदर है, हालेलुया। बस जो संसार का सिस्टम है, हालेलुया, जो शैतान का बनाया हुआ संसार है, हालेलुया, सॉरी, जो उसकी मैं क्या बोलूंगा, विचारधाराएं, उसके विचार, उसकी बातें जो आपके मन में डाल दी गई, हालेलुया, उन्होंने आपके अंदर ऐसा घर कर लिया कि आपको लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है, हालेलुया। और बंधे किस चीज से? पतली सी रस्सी से, पतली सी रस्सी से, हालेलुया, हालेलुया। पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं आप, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, विश्वास करना, हाँ ये चीजें मेरी हैं, ये नौकरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये बेटे की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये वीजा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा है, दौड़ शैतान तो निकल जा। प्रभु ने बोला सभी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी है, ये कारोबार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा, ये मेरा कारोबार 5,000 का था, अभी ये 50,000 का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो चुका है। हर एक चीज आपकी है, हालेलुया। आपको आपको अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना पड़ेगा इसके लिए, हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर की उस दुनिया को, उस संसार को, उस स्वर्ग राज को, जिस स्वर्ग राज का यीशु मसीह ने प्रचार किया, नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं घोषणा करते, तो संसार के लोगों की तरह जीते रहोगे आप, उसी हाथी की तरह, हालेलुया, जिसको रस्सी से बांध दिया गया और उसको पता नहीं कि इसको तो मैं थोड़ा सा ऐसे मारूंगा टूट जाएगी, पर क्या करता है, वहां पर हाथी जाके खड़ा हो जाता है, ऐसे उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बस पतली रस्सी से बांध देंगे, वहीं पर खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं कहीं, उसको पता है टूटेगी नहीं मुझसे। यही लोग जो मसीह लोग हैं, हालेलुया, यही लोग जो हालेलुया दुनिया को उल्टा पुलटा करने वाले लोग हैं, हालेलुया, और ये समझते हैं कि मैं क्या उस रस्सी से बंधा हुआ है, जो कि बिल्कुल आप हो नहीं, हालेलुया। इनको लगता है हमें संसार के सिस्टम से चलना, नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना अपने सिस्टम में, नए सिस्टम ने, हालेलुया, नए सिस्टम ने आपको बदल दिया है, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, नए सिस्टम ने क्या किया, आपको बदल दिया, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप इस संसार में हैं, जिहो जा ओ है ओहो जा मैं भी इस संसार दे विच, हाँ, जैसा वह है वैसे हम भी इस संसार में हैं, ऐसा नहीं कि बन जाओगे आप, ऑलरेडी आप हो के बन जाओगे, बाइबल में वैसे ही आप हो, हालेलुया, बिल्कुल मजे से, हालेलुया। शैतान आपके सर के ऊपर बैठता है, हालेलुया, और आपके बालों को पकड़ के घुमाता है, चल तू गरीबी में चल, चल तू नशे में चल, चल तू क्लेश में चल, चल तुझे मैं घुमाता हूँ, और भी घूमते रहते हैं, और रात को फोन करते हैं मुझे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे, इदा हो गया जी, इदा हो गया, सानू जी डरता आत्मा दान करता प्रसन्न हालेलुया। कब तक तंगी में जीना चाहते हो, कब तक, और बताओ, हालेलुया, तंगी में जीना चाहते हो, क्यों? यीशु मसीह ने जान क्यों दे दी आपके लिए, हालेलुया। फिर से पढ़ने से वचन को, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, पिता की महिमा के द्वारा, पिता के सामर्थ्य से नहीं, पिता की महिमा के द्वारा, जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, हालेलुया, किससे जिलाया गया, वो पिता की महिमा के द्वारा, बोले पिता की महिमा के द्वारा, फिर से पढ़ना इसको, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन दे राह चलिए, पंजाबी च पढ़ो, रखी लिखा,
सो असी मौत का बपतिस्मा लैण करके ओदे नाल दबे गए तां जो जिवें पिता की वड्याई दे वसीले नाल मसीह मुरदियां विचों जवालिया गया तिवें असी भी नवे जीवन दे राह चलीए। हालेलुया, ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के द्वारा यीशु मसीह को जिंदा किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 8:11 पढ़े सेमी रोमियो, 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, वही महिमा का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आपके अंदर भी महिमा का आत्मा बसा हुआ है। किसको समझ में आई? जिस महिमा के आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सेम आपका आत्मा आपके अंदर है, महिमा का आत्मा। हालेलुया, फिर से पढ़ते हैं इसको। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, अगर आप ये चीजें समझ जाओ कि जिस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, जिस महिमा के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, हालेलुया, वही महिमा का आत्मा मेरे अंदर आ चुका है। आमीन। हालेलुया, तो वो आपको भी, बाइबल में लिखा, आपको भी क्या करेगा? यीशु मसीह के जैसे मुर्दों में से जिला देगा। हालेलुया, जो महिमा का जीवन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ के प्राप्त किया, वो आप भी जी पाओगे। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की। प्राशद जबल बशरीज पंजाबी पढ़े ने समझ लगे ने चंगी प्राशद नहीं दा जे ओ दा आत्मा जिने यीशु नु मुर्दियां विचों जवालिया तुहाडे विच वसदा है, तां जिने मसीह यीशु नु मुर्दियां विचों जवालिया ओ अपने आत्मा दे वसीले नाल जिहड़ा तुहाडे विच वसदा है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨ ਹਾਰ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਰੁੱਥ ਮੇ ਜੋ ਅਭੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਉਸ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ कर दिया गया, उसको कोई भी अधिकार है ही नहीं। संसार के सारे अधिकार किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जो वर्ड लिखा है, इंग्लिश में लिखा है चीयर, चीयर जैसे करते हैं, चीयर्स करते हैं, चीयर्स का मतलब है खुशियां मनाना। जैसे वो आईपीएल में मैच होते हैं तो चीयर्स कर खुशियां देखते हैं, नाचती हैं, दो तीन लड़कियां वहां पर नाचती हैं, चीयर करती हैं, आनंद करना, हौसला रखना नहीं, वहां पर लिखा, बोला लिखा आनंद करो, लिखा आनंद करो, मैंने जगत को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पुराने सच में चलते रहोगे कि शैतान के पास अधिकार था, कि बादल भी मुख्यमंत्री था, हालेलुया, तो आप कुछ भी नहीं ले पाओगे, आप किसी और जिंदगी में जीते रहोगे। कि शायद शैतान के पास अधिकार हैं, उससे मुझे छीन के लेने हैं, तो वह बेवकूफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना भी बंद कर दो। अपने आप को मूर्खताई में मत लेके जाओ, क्या शैतान के पास है, मैंने उससे छीननी है, मैंने उससे लेनी है, उसके पास नहीं है, यीशु मसीह के पास है। आनंद करो, हौसला रखो, मैंने जगत को जीत लिया है, उसने जीत लिया, अभी किसके पास है? फिर यीशु मसीह के पास, क्या शैतान के पास है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सिर्फ विश्वास करना, हाँ ये ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये नौकरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये घर की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये गाड़ी की कार की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है, ये जिनके पास घर नहीं है वो बोलेंगे ये जगह की ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप मसीह यीशु के द्वारा उन चीजों को रिसीव नहीं करते और आप खुद ये सोचते हो शायद मैंने शैतान से छीन के लेनी है, तो वो झूठ आपके जिंदगी में कायम रहता है। अभी इस झूठ को तोड़ना चाहते हो, खड़ा रखना चाहते हो, तोड़ दो फिर, उसके हाथ में है ही नहीं,
तो वो छीन कैसे सकता है, फिर उसके हाथ में है ही नहीं। हालेलुया। पर जब लोग झूठ में बने रहते हैं, झूठ का विश्वास करते हैं, हाँ ये शैतान ने मेरे कामों को रोक रखा है। हालेलुया। आपके अविश्वास ने रोक रखा है। हालेलुया। आपके अविश्वास को इस्तेमाल करता है वो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालेलुया। तू बच, तू और तेरा घराना बचाए जाओगे। हालेलुया। वो नशे को आपकी जिंदगी में पता क्यों बनाए रखता है? हालेलुया। वो सच आपको मानने नहीं देता कि मेरा घराना बचाया गया है। हालेलुया। वो आपके जीवन से बाहर नहीं जा पाता, वो नशा आपके जीवन से बाहर नहीं जा पाता। हालेलुया। आपकी फैमिली से, आपके मम्मी डैडी भाई बहन, जब अगर हालेलुया कोई भी कर रहा है, मान लो नशा लोग करते हैं, हालेलुया हालेलुया, मम्मी डैडी या कोई भी हो सकता करते हो, हालेलुया, लेडीज भी करते हैं अभी तो बहुत, हालेलुया हालेलुया, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है। हालेलुया। और आपने अपने विश्वास को सिर्फ इस्तेमाल करना, वो दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, जो आपको पकड़ के रखती हैं, हालेलुया, जिनके जीवन में मान लो दुष्ट आत्माएं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार भी आप दुष्ट आत्मा निकल वाले को फिर से एंटर हो जाती है बंदों के अंदर। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर, यार ये आत्मा तो निकल गई थी, फिर से आगे वापस। हालेलुया। तो जिसके जीवन से वो दुष्ट आत्मा निकल गया, वो बंदा विश्वास नहीं करता कि मेरे अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा बसता है? हालेलुया। लोग खुद ही मान लेते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या करें उस काम के लिए? फिर उन्होंने, उनका माइंड ऐसे सेट हो गया, उन्होंने अपने को हाथी वाली रस्सी से बांध लिया, छोटी सी रस्सी से, जैसे ना, हालेलुया, जैसे हाथी को बांधा होता है ना, उनको बांध लिया, नहीं मुझे दुष्ट आत्मा, अपने माइंड को सेट कर लिया, मुझे दुष्ट आत्मा है और मैंने पास्टर के पास जाना और सर को घुमाना है बस। हालेलुया। उन्होंने अपने माइंड को सेट कर लिया, जबकि अंदर उनके कौन सा आत्मा है? मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? हालेलुया। आपने सिंपली इनकार करना, नहीं भाई मेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। क्या करना? सिर्फ सिंपली सिंपली विश्वास करना कि मेरे अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। आपके अंदर किसका आत्मा है? किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अभी जो बंदे ने अपना माइंड तैयार कर लिया पहले कि मेरे अंदर ये बीमारी एंटर कर गई, ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर एंटर कर गई, अभी इसके साथ मैंने लड़ना है, अभी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फायर करूंगा इसको मैं, हालेलुया, पास्टर से प्रे करवाऊंगा, ले हैंड करवाऊंगा, फिर ये जाएगी। अपने माइंड को सेट कर लिया। हालेलुया। सारी उम्र उनके जीवन में ऐसे चलता रहता है, चल गया बाहर फिर आ गया, चल गया बाहर फिर आ गया। हालेलुया हालेलुया। और उनके अंदर है आत्मा किसका? परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का सच बदल नहीं सकता। परमेश्वर का सच बदल जाएगा आपके सोचने से ना सोचने से? नहीं। हालेलुया। आपको फिर से लगेगा नहीं मुझे तो पैसों की कमी है, मुझे तो पैसों की जरूरत है। बाइबल साहब लिखती है आप मसीह में अनंत धनी किए गए हो। हालेलुया। तो गरीबी क्या करती है? आके पकड़, गरीबी का भी दुष्ट आत्मा है, कोई हालात नहीं कुछ भी। हालेलुया। वो आपको पकड़ लेती है। हालेलुया हालेलुया। कर्जे के भी आत्माएं हैं। हालेलुया। आप, आपके पास पैसे आए, वो कर्जे का आत्मा आ गया आपके पास। हालेलुया। कहीं से घूम फिर के, फिर ये कर्जे से बाहर नहीं जाना चाहिए, दुष्ट आत्माएं सारे के सारे। यीशु मसीह ने बोला मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का, भरपूरी का, परपूरीदा, फुल भरपूरी का जीवन पाओ। आमीन आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी के प्राशन जी। हालेलुया। जा तो उन चीजों में जो पहले सच था, जो पहले सच था शैतान के पास था, उसमें जीते रहो, या फिर अभी जो सच है आजादी का सच। हालेलुया। जो मसीह में आपको आजादी मिली है, या तो उसको जी लो या फिर शैतान के झूठ को जी लो। किसको जीना चाहते हो आप? किसको जीना चाहते हो आप? आजादी को। जो मसीह में आपको धन मिला है, सामर्थ मिला है, चंगाई मिली है, प्रेम मिला है, शांति मिला है, उसमें जीना चाहते हो या गरीबी में, कर्जे में, क्लेश में जीना चाहते हो? हालेलुया हालेलुया। मर्जी आपकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन आपके हाथ में दे दिया, आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर सकते हो। खुद आपके बच्चे कैसे होंगे, कैसा वो पढ़ेंगे, कैसा आपका घर होगा, कैसी आपके पास गाड़ी होगी, आप खुद डिजाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से। हालेलुया।
गरीबी में, तंगी में, लड़ाई झगड़े में, हालेलुया, जीवन काटने से अच्छा है आप अपनी लाइफ को अच्छे से डिजाइन करो, हालेलुया, रोज उसके लिए घोषणाएं करो, मेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आत्मिक रीति में बढ़ चुके हैं, ये पवित्रता में यीशु मसीह के नाम में बढ़ चुके हैं, ये नौकरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल चुकी है, ये चार हालेलुया चार हालेलुया की ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਸਨ ਅਬਰਾਸ਼ਦੀ ਜ਼ਕਲੋ ਬਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ ਆ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਨ ਅਬਰਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਕਲੋ ਬਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਬਰੀਆਜ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਪ੍ਰਸਨ ਅਬਰਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਕਲੋ ਬਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਕਲੋ ਬਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ ਕਲੋ ਬਾਸ਼ਦੀਜ਼ਾ हालेलुया हालेलुया लोगों को लगता है ये चीजें बड़ी हैं, उनको लगता है ये चीजें बड़ी हैं, ये कैसे होंगी, ये होंगी कैसे, हालेलुया अगर परमेश्वर नहीं कर सकता फिर कोई भी नहीं कर सकता, अगर रब तुहानू दे नहीं सकता तो फिर कोई भी नहीं दे सकता, हालेलुया हालेलुया सुनो मेरे ध्यान से आओ अभी पढ़ना रूमे छे की चार जो पढ़ना तो पहले पंजाबी पढ़ो सो असी मौत दा बपतिस्मा लैण करके उहदे नाल दब्बे गए तां जो जिवें पिता दी विड़ियाई दे वसीले नाल मसीह मुरदियां विचों जवालिया गया तिवें असी वी नवें जीवन दे राह चलीए हालेलुया जैसे उस आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर की इच्छा है कि आप नए जीवन में चलो नए जीवन में आपकी खुद की मर्जी की जिंदगी पाप वाली जिंदगी नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी खुद की मर्जी की जिंदगी धन आपकी मर्जी का गाड़ी आपकी मर्जी की हालेलुया हालेलुया आत्मिक जीवन आपकी मर्जी का प्रेयर लाइफ आपकी मर्जी की आपके बच्चे कितना पढ़ेंगे वो आपकी मर्जी का जो भी आप करना चाहते हो हालेलुया सबसे पहले उसको एक डिजाइन दो हालेलुया ऐसा डिजाइन करो जिसमें परमेश्वर की चीजें भरी हों ना कि शैतान की गंदगी भरी हो हालेलुया 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 जो आत्मिक मनुष्य हैं जो आत्मिक बंदे हैं उनको बातें समझ आ रही हैं जो शारीरिक हैं वो बोल रहे हैं यार ऐसे कैसे हो जाएगा हालेलुया तो उनके लिए जवाब है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल जब परमेश्वर आपके साथ है तो सारा कुछ संभव है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने बोला तुम नए जीवन के रास्ते पर चलो विश्वास तो करके देखो हालेलुया आप अपनी लाइफ को डिजाइन करें सबसे पहले क्या करना लाइफ को डिजाइन करना कि मैं कौन सी स्टडी करना चाहता हूं मेरा घर कैसा होना चाहिए हालेलुया मेरे बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए हालेलुया तो बाइबल में उसके अनुसार लाइफ को आप हालेलुया देखें कि बाइबल में क्या लिखा उन चीजों के लिए बाइबल में क्या लिखा वैसे वचनों को अपने जीवन में लिख लें डायरी में कॉपी में कहीं भी लिख लें अगर अनपढ़ भी हैं तो बच्चों को बोल दें हाँ भाई ये बच्चे मेरे ऐसे होने चाहिए हालेलुया मेरी बेटी ऐसे होनी चाहिए मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए उसको ये नौकरी मिलनी चाहिए उसको ये नौकरी मिलनी चाहिए हालेलुया वो इस कंट्री में जाना चाहते हैं वो सभी चीजें लिख लें उस कंट्री का नाम लिखें काम के लिए इस कंट्री में जाना चाहते हैं हालेलुया जो भी आप चाहते हो मेरा ये कारोबार हो मैं इस कारोबार को करना चाहता हूं हालेलुया जब तक आपके कदम बढ़ेंगे नहीं किसी अच्छी चीज की तरफ हालेलुया तो क्या होगा आप वही जिंदगी जीते रहोगे जो शैतान ने डिजाइन किया आपके लिए संसार ने डिजाइन किया अभी जो आप मान लो जीवन जी रहे हो हालेलुया संसार का डिजाइन किया हुआ है अगर आप कारोबार कर छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हो हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो ये आपको किसने दिया ये संसार ने हालेलुया हालेलुया किसने दिया आपको संसार ने ये संसार का स्ट्रक्चर है डिजाइन है हालेलुया तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप नए सिरे से अपनी लाइफ को डिजाइन करें नए सिरे से रोज उसके लिए प्रार्थना करें रोज उसके लिए घोषणा करें हालेलुया जब भी आपके मन में आएगा नहीं तुम गरीब उसको नहीं मैं मसीह में धनी किया गया बोलेगा नहीं तुम बीमार नहीं मैं मसीह के नाम में चंगा हो चुका तुम्हें दुष्ट आत्मा है नहीं मेरे अंदर मसीह का आत्मा है तुम्हारे बच्चे ये हैं तुम्हारे बच्चे वो हैं अनाज्ञाकारी नहीं मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं बच्चे
नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, नहीं मेरे बच्चे अच्छे हैं, वो प्रभु के साथ चलने वाले स्पिरिचुअल बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बन चुके हैं। तू बच, तू और तेरा घराना बचाया जाओगे, मेरा घराना यीशु मसीह के नाम में बचाया गया है। हालेलुया। वचन के अनुसार अपनी लाइफ को डिजाइन करें। हालेलुया। आप अगर सिर्फ लोगों की तरह जीते रहोगे ना, आम लोगों की तरह, आप आम लोग नहीं हो, आपको परमेश्वर ने खास बना दिया, खास। आमीन। हालेलुया। आप साधारण लोग नहीं हो, आपको आपको लगता होगा आप साधारण लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जगत में से चुन लिया, संसार में से चुना। हालेलुया। आपको लगता है मैं साधारण हूं, मैं आपको लगता है, पर आप हो नहीं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुना वो बंदा साधारण हो सकता है क्या? कभी नहीं। वो आम इंसान हो सकता है? नहीं। आम आदमी हो सकता है वो? नहीं, कभी भी नहीं। आपको लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उन लोगों को जो गरीब थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, ताकि उन लोगों को जिनके पास कुछ है, जब वो कुछ बन जाए तो उन लोगों को शर्मिंदा करे कि देख ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना बहुत ऊंचा जीवन देने के लिए, ताकि जिनके पास कुछ है, वो जो समझते हैं कि मेरा ज्ञान ऐसा है, मुझे बुद्धि ऐसी है, उनकी सभी की सभी, हालेलुया, उनकी बुद्धि की बातें, उनके ज्ञान की बातें, उनका धन, उनकी हर एक चीज जो संसार की ओर से, जो शैतान की ओर से, उसको क्या मिले? शर्मिंदगी मिले। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको वो जीवन दे पाए जो महिमा वाला जीवन है, ग्लोरीफाइड लाइफ, यीशु मसीह के जैसी। जैसा यीशु मसीह है वैसे आप भी संसार में हैं। आमीन। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की। वाशदीज रोमे 7 उसकी 6 में पढ़ें क्या लिखा है। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वर्णन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं इसको। परंतु जिसके बंधन में हम थे, जिसके बंधन में, शैतान के बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर, उसके लिए मरकर, क्रॉस पे जान देकर, हम भी यीशु मसीह के साथ क्रॉस पे चढ़ाए गए, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से आप छूट गए। बाइबल साफ बयान करती है, उस सिस्टम से आ गया, क्या हो गया? आप शैतान के सिस्टम से आप छूट गए। छूटोगे नहीं। फिर से पढ़ना इसको। उस व्यवस्था से, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, ऐसे छूट गए आप कि लेख की पुरानी रीति पर, जो भी लिखा था आपकी, जो समझते ना, ये किस्मत में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसने बोला उस लिखित से तुम क्या हो गए? छूट गए। वर्णन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर चलते हैं, सेवा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो आपको मिला है, हालेलुया, नए जीवन के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। व्यवस्था से आप छूट चुके हो, उस सिस्टम से आप कट चुके हो। हालेलुया। अभी प्रधानमंत्री कौन बन गया? फिर भगवंत मान, बादल के भगवंत मान, उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, शैतान के हाथ में कुछ भी नहीं है। किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जरूर। हालेलुया। अभी जिसके हाथ में कुछ है नहीं, हालेलुया, जिसकी दुकान खाली है, बोलो दुकान खाली उसकी, उसका सौदा खत्म हो गया। हालेलुया। अभी इसकी दुकान पे क्या लेने जाओगे फिर आप? हालेलुया। जिसकी दुकान में सामान ही नहीं है उसके पास लेने के जाओगे आप? हालेलुया। 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 किसको समझ में आई बात? उसके पास है ही नहीं कुछ भी, तो लेने के जाओगे उसके पास? आप लड़ोगे? आपको जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जो बंदा मूर्ख है वो परमेश्वर की चीजों को नहीं समझता। हालेलुया। जो सारा सिस्टम है, जो सारी व्यवस्था है, परमेश्वर के आत्मा के अधीन है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के सिस्टम में रहकर सभी अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी आसानी से ले सकते हो।
हालेलुया। फिर से पढ़ने साथ कीजिए, इन्हें पंजाबी पढ़े जरा की लिखा। पर असी ओदी वल्लों मर के जेदे विच दबे होए सां, शरा तो हुण छुट गए हां। व्यवस्था से, कानून से, शरा से, जो पुरानी व्यवस्था थी उससे छूट गए, जिस करके असी आत्मा दी नवी रीत उत्ते ना के लिखत दी पुरानी रीत उत्ते सेवा करदे हां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, हालेलुया, वो भी प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर काम है, जो कैमरा मैन उसका काम है, साउंड वाले का अपना काम है, लंगर वाले का अपना काम है, जो विश्वासी है उसका अपना काम है। हालेलुया। पर जो बंदे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मान लो हालेलुया, उनके अलावा जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए, हालेलुया, जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते, जिन्होंने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन के खड़े हो जाते हैं कि देखो मैं मसीह में ऐसा था और मेरा जीवन बदल चुका है, देखो मैं एक अच्छी एग्जाम्पल हूं। तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को बेहतर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप भी सेवा कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपकी जिंदगी को देखकर बहुत सारे लोग बदलेंगे कि ये कैसे बदल गया, मेरी जिंदगी भी बदलनी चाहिए, इनको तो ये मिल गया। हालेलुया हालेलुया। मतलब कहने का कि परमेश्वर की सेवा, हालेलुया हालेलुया। जब आप वचनों के ऊपर चलते हो तो परमेश्वर की सेवा ही कर रहे हो आप। जब आपकी जिंदगी बदल रही है, बेशक विश्वासी हो आप और प्रभु के वचनों के आप ऊपर चल रहे हो, आप सीख रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, हालेलुया, आपका अच्छा जीवन बन गया, आपके बच्चे अच्छे हो गए, हालेलुया, आपकी सेहत अच्छी हो गई, आपका फाइनेंस अच्छा हो गया, हालेलुया, तो दूसरा बंदा जिसने आपको देखना है, हालेलुया, उसने बोला यार इसकी जिंदगी कैसे बदल गई, वो आपको देख के बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या है? ये भी तो सेवा है कि नहीं है? बिल्कुल सेवा है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ें जरा एफसीओ 1 उसकी 17 में से 17। एफसीओ 1 उसकी 17। एफसीओ की किताब 1 से 17 तो लेकर के पढ़ते रहना। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, हालेलुया, जो महिमा का पिता है, हाँ जी, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम्हें, हालेलुया, मन की आंखें, आपकी आंखों के लिए नहीं लिखा, मन की आंखें, आपके मन को क्या मिले? बीइंग एनलाइटेंड, रोशनी मिले, आपके मन को क्या मिले? रोशनी मिली। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि की बातें आपको समझाते हैं तो आपके मन को क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। आपकी समझ को क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। फिर से पढ़ना इसको। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, रोशनी, बस रोशनी से भर जाएं कि तुम जान लो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया उसकी आशा क्या है। हाँ जी। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास, हालेलुया, उसकी प्रॉपर्टी, उसका धन, हालेलुया, आप जो मसीह लोग हैं, हालेलुया, आपको देने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रॉपर्टी रखी और परमेश्वर ने बोला देखो मेरी प्रॉपर्टी कैसी है। फिर से पढ़ना इसी लाइन को। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ जी। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। उसकी सामर्थ हम में काम करती है, उसकी सामर्थ हम में है, परमेश्वर की सामर्थ हम में है। किसकी सामर्थ? फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। उसकी और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी बड़ी है। उसने बोला तुम मेरे सामर्थ को भी चेक करो जो आपके अंदर काम कर रहा है, कितना बड़ा है। आगे। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभु के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर, इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हालेलुया। यीशु मसीह को हर एक प्रधानता के ऊपर, हर एक इख्तियार के ऊपर बिठा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी शैतान की दुकान खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है,
वो समझ लो कि वो बादल है, वो मंत्री था पहले, अभी नहीं है। उसको किसी भी चीज का कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अधिकार उसको है ही नहीं, कुछ भी उसके पास है ही नहीं। बाइबल साफ कहती है यीशु मसीह के अधीन सारी प्रधानताएं, सब कुछ किसके अधीन है? यीशु मसीह के अधीन। और आप कहां पर हो? यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से यीशु मसीह के साथ जिलाया और उसी के साथ स्वर्गीय स्थानों के ऊपर यीशु मसीह के साथ बिठाया, सभी प्रधानताओं के ऊपर आपको भी यीशु मसीह के साथ बिठा दिया। हालेलुया। अभी आप सभी प्रधानताओं के ऊपर हो, बन नहीं जाओगे। हालेलुया। उन प्रधानताओं को आपने कमांड करना है, सिर्फ जो नौकरी देने वाला सिस्टम है उसको आपने कमांड करना है, यीशु मसीह के नाम में यह नौकरी मेरी है। हालेलुया। जो धन को मैनेज करने वाला सिस्टम है, हालेलुया, उसको आपने कमांड करना, हालेलुया, कि मेरी जरूरत की सभी चीजें मेरे घर में, मेरे घर बनाने के लिए, मुझे बाइक खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, जो भी चाहिए यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन में आ चुकी है। आमीन। हालेलुया। मेरे बच्चों के अंदर स्वर्गीय बुद्धि, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, खुल चुकी है। मेरे बच्चे स्वर्गीय बुद्धि से चलते हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे फिजिकल बॉडी में अच्छे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आप हीलिंग को कमांड करोगे, हीलिंग यीशु मसीह के नाम में मेरे बच्चों में प्रवेश कर चुकी है, तो वो करेगी, क्योंकि उन सभी प्रधानताओं के ऊपर आप यीशु मसीह के साथ बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपके मन की आंखों को क्या मिले? रोशनी मिले। परमेश्वर आपको, हालेलुया, आपका मन बदलना चाहते हैं। वो अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान इसलिए आपको देते हैं ताकि आपके मन को रोशनी हो। 17 से पढ़ना, पंजाबी से पढ़ना, लिखा 17 है। पई साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर जेड़ा तेज दा पिता है, अपनी पूरी पछाण विच ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा तुहानू दान करे। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करे? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमें दे। ज्ञान और प्रकाश जो परमेश्वर का है हमें दे। आगे कि तुहाड्या दिलां दीआं अखां नू चानण होवे। तुम्हारे मनों की आंखें, जो दिल की आंखें, उनको क्या हो? प्रकाश हो। हालेलुया। सिंपल बताता हूं आपको मैं। जब परमेश्वर ने आदम से बात की, आदम आदम तू कहां पर है, आदम आदम तू कहां पर है, तो बाइबल में लिखा है आदम क्या हो गया? छुप गया। उसने बोला परमेश्वर मैं नंगा हूं, परमेश्वर मैं नंगा हूं। उसने क्या सुना? परमेश्वर की आवाज। उसने देखा नहीं था परमेश्वर को। ऐसा नहीं कि जैसे आप एक दूसरे को मिलते हो, उस टाइम पे वो क्या करता था? आवाज सुनता था। हालेलुया। तो अभी भी क्या है? परमेश्वर की आवाज। अभी भी क्या है? परमेश्वर की। आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। अपने मनों को कठोर मत करो। जैसे आदम से बात की, अभी भी मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है वो। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, स्वर्गीय बनाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहा जैसा यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। ऐसा नहीं कि बन जाएंगे, जैसा यीशु मसीह है उसके जैसे ही आप हो। आमीन। हो कि नहीं हो? हो। आमीन। जोरदार महिमा करेंगे परमेश्वर के। हुजूर इब्रानियों 2 की 14-15 में पढ़े क्या लिखा? इसीलिए जबकि संतान मांस और लहू के भागी हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है वो कहां पर है? शरीर में है, लहू और मांस में। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने ऊपर मौत ली तो आपको सभी को मतलब सभी संसार को यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। आप में से कोई भी शैतान का, बीमारी का, कर्जे का, लड़ाई का, झगड़े का गुलाम नहीं है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह स्लीप पे इसलिए चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। जो मौत के गुलाम थे उन सभी को उसमें मौत से छुड़ा ले। हालेलुया। जब वो क्रॉस पे चढ़ा तो आप सभी छुड़ा लिए गए हो। आमीन।
बोले मैं छुड़ा लिया गया हूँ, छुड़ा लिया गया, मैं बचा लिया गया हूँ, बचा लिया क्रॉस पर, क्रॉस यीशु मसीह के साथ, मैं भी सलीबे जड़ा, मैं भी सलीबे, अभी मैं आजाद हो चुका, आमीन। जोरदार मैं करे परमेश्वर जी की पढ़े जरा फिर से इसको, इब्रानियों 2:14-15 दोनों। इसीलिए जबकि संतान मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ली। हालेलुया, हालेलुया, उन्हें छुड़ा ली। हालेलुया, जो शैतान के और किसी भी चक्रों में फंसे हुए थे उन्हें क्या करे यीशु मसीह छुड़ा ले। उस टाइम उसने सभी को छुड़ा लिया और अपने जैसा बना लिया। हालेलुया, आप ऑलरेडी छूटे हुए हैं, आपको डिलीवरेंस की छुटकारे की कहीं भी जरूरत है ही नहीं असल में। हालेलुया, असल में जो असलियत है कि मेरे सर पे हाथ रखो मेरी दुष्ट आत्मा चली गई, ऐसा जरूरत नहीं है आपको। हालेलुया, फिर भी जो लोग अविश्वासी हैं या नए विश्वासी हैं, हालेलुया, उनके लिए चीजें होती हैं, मिरेकल्स उनके लिए होते हैं, विश्वासियों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मेरे विश्वासियों के साथ ये निशानियां होंगी, वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों की निशानियां नहीं है। विश्वासी क्या करने हैं? चंगा करने वाले हैं, दुष्ट आत्माएं निकालने वाले हैं कि निकलवाने वाले, कड्ढने वाले कि कढ़ाने वाले, कड्ढने वाले ते बनते कि फिरते हर हफ्ते ही कढ़ाने वाले। हालेलुया, हालेलुया, तुम सच को जानो तो सच तुम्हें आजाद करेगा। कोई भी कोई बाइबल साफ बोलती है, हालेलुया, तू सच को जान और सच तुझे आजाद कर देगा, बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, सच आपको आजाद करता है। जब आपके मन में सच बस जाता है, हालेलुया, तो आपको क्या मिल जाती है? डिलीवरेंस खुद मिल जाती है। हालेलुया, पढ़ें जरा कहां पर लिखा है, यूहन्ना 8:32 में पढ़ेंगे, लिखा ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आपको डिलीवरेंस कौन देगा? चाहे गरीबी है, चाहे दुष्ट आत्मा, कौन? सच। आपने सच को एक्सेप्ट करना अपने अंदर, कि दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है। किसका आत्मा? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? हालेलुया, तो बाइबल साहब लिखा तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा, सच तुम्हें आजाद बना देगा। हालेलुया, अभी आसान क्या है? सच को अपने अंदर रखना या शैतान के झूठ के साथ लड़ना? मसीह में आप धनी किए गए हो बिना किसी शक के। हालेलुया, वो मेरे लिए निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, तो आपको सच को अपने जीवन में रखना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं धनी किया गया हूं, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, हाँ उसके कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूं। हालेलुया, सच तुम्हें क्या करेगा? आजाद, क्योंकि और आजाद करेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा, हालेलुया, अपने लोगों को, पास्टर साहबान को परमेश्वर ने ठहराया ताकि वो यीशु मसीह के सच का प्रचार कर सके और लोग उस सच के द्वारा आजाद हो सके। हालेलुया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना बादशाह सब रखलाउटो सब है जिनको लगता है कि मुझे डिलीवरेंस की जरूरत है। किससे? किसी भी चीज से नहीं। ऑलरेडी आप आजाद हो, ऐसे मत सोचो कि मुझे दुष्ट आत्मा है और मैंने तो आजाद होना, जब मुझे डिलीवरेंस चाहिए, ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। हालेलुया, एक बहन, काफी देर पहले की बात है, पहले बता चुका हूं, हालेलुया, मेरे पास आई एक बहन, काफी एज थी, उम्र उनकी काफी ज्यादा थी, हालेलुया, 55 से 60 साल के करीब थी। हालेलुया, तो पंजाबी में बोली, हालेलुया, बड़ी खुश, मैं पता नहीं की गल होगी, बड़ी बेबे खुश हैगी, गल की हुई है, हाँ बड़ी हसी हसदी हसदी मेरे को आई, हाँ जी पास्टर जी, कहती मैंने दुष्ट आत्मा है, मैं क्या चाह, कहती मैं खेड़ी बहुत है, कहती मैं खेड़ी बहुत है, कोई नहीं, मैं क्या बेबे आ जाए, कटौने बहुत है, आ जा। हालेलुया, जोरदार महिमा करेंगे परमेश्वर जी की, प्रार्थना नहीं, कहती मैं खेड़ी बड़ी, मैं क्या आ जा बेबे, कटौने बहुत है, फिर खुद ही तैयार है भाई, क्या करोगे फिर, खुद ही तैयार हैं लोग कि मुझे दुष्ट आत्मा, मैंने तो सिर्फ माना पास्टर के सामने। हालेलुया, हालेलुया,
किसको मेरी बात समझ में आई? आप मसीह में आजाद हो, आजादी को जी लो। किसी भी चीज का, किसी बुराई का, किसी तंगी का, किसी शैतान दुष्ट भ्रष्ट आत्मा गरीबी का बीमारी का किसी भी चीज का, हालेलुया, आपके ऊपर अधिकार नहीं है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, उसने उसके कामों को क्रॉस पे नष्ट कर दिया। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है उसको, ना कि शैतान के झूठ को मानना है। हाँ मैं बीमार हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, उसके झूठ को नहीं मानना। जो परमेश्वर का सच है उसको आपने मानना है। आमीन। तो सच क्या करेगा? आपको आजाद कर देगा। या तो आप अपनी मर्जी से गरीबी में जीते रहो, या फिर विश्वास कर लो कि मैं मसीह में धनी किया गया हूं। या अपनी मर्जी से क्लेश में जीते रहो, या फिर यह विश्वास कर लो कि मसीह की शांति मेरे अंदर है। उसने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ऐसा बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। हालेलुया। मर्जी आपकी है, परमेश्वर का सच एक्सेप्ट करना। जो संसार से आपको झूठ मिला है उसको एक्सेप्ट करना कि मैं बीमार, मैं गरीब, मैं ये, मैं वो, पता नहीं क्या क्या। सच तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। तो सच को जान और सच तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं लोगों के निकल जाती हैं, फिर से वापस आ जाती हैं। लोगों की बीमारी चली जाती है, वापस आ जाती है। मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं, काफी सालों के मुझे देखते हुए, दुष्ट आत्मा निकल गई, फिर से आ गई, उसकी बीमारी गई, फिर से आ गई, एक निकली दूसरी बीमारी आ गई। हालेलुया। पर अगर आपने सच एक्सेप्ट कर लिया, वो दोबारा आ सकती है आपके अंदर? कभी भी नहीं। तू सच को जान और सच तुझे आजाद कर देगा। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की। प्रार्थना करें ही सर। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 4:4 में पढ़ेंगे, लिखा 4:5-6 तक पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हालेलुया। शैतान के बारे में लिखा, उसने अविश्वासियों की, जो लोग विश्वास नहीं करते प्रभु के सच का, उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? उसने अंधा कर दिया। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है आपके जैसा, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। हालेलुया। मसीह की खुशखबरी, मसीह की खुशखबरी यह है कि आप मसीह में आजाद किए गए हो। हालेलुया। उसकी खुशखबरी क्या थी? तौबा करो, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया, तुम स्वर्ग के राज्य को जियो। उसने इसी चीज का प्रचार किया कि तुम स्वर्ग की चीजों को जियो, ना कि संसार के तरीके से जियो। उसने स्वर्गीय चीजों का प्रचार किया, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। हाँ जी आगे। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, ज्योति हो, तो ज्योति हो गई, रोशनी हो गई। परमेश्वर ने आख्या के चरण हो गए, चरण हो गया। हाँ जी। और वही हमारे हृदयों में चमका, वही हमारे अंदर डाला गया। किसका? किसका प्रकाश? परमेश्वर का। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो, वो रोशनी किसके अंदर चमकी? बोलो मेरे अंदर। मेरे अंदर संसार की रोशनी नहीं, परमेश्वर के वचन की रोशनी, उसके आत्मा की रोशनी आपको मिली। उसने कहा रोशनी हो, चानन हो गई। तो चानन कितने होया? मेरे विच। बोलो मेरे विच। मेरे विच। पंजाबी च बड़े बहुत वधिया लिखा है ना, 4:5-6 आए थे। जिन्ना विच इस युग दे ईश्वर ने बेपरतीतियां दियां बुद्धां अन्या कर दित्तियां, मते मसीह जो परमेश्वर दा स्वरूप है, परमेश्वर दा स्वरूप है, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਤੇਜ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨਕੀ ਬੁੱਧਿਓਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਨਕੇ ਮਨ ਕੋ ਅੰਧਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਨੇਰਿਓ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਅੰਧੇਰਾ ਹਟ ਜਾਏ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ? ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਾ। ਆਮੀਨ। ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸਕੋ ਬਾਤ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਈ? हालेलुया। आपके अंदर अंधेरा है? नहीं है।
आपके अंदर पाप है? नहीं। बाइबल में प्रभु का दास लिखता है पौलुस कि तुम पर पाप की प्रभुता ना चलेगी, तुहाडे ते पाप दा वश ना चलेगा, क्योंकि तुसी शरा दे नहीं सको कृपा दे दीनू, पाप का वश आपके ऊपर नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर किसकी रोशनी है? परमेश्वर की रोशनी। आपके अंदर अंधकार है? नहीं। जो बंदा ये सोचता है ना कि मैं पापी हूं, तो उसके अंदर उसके जीवन में वो पाप काम करता है, पर जो बंदा सोचता है कि नहीं परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर है, तो उसकी रोशनी संसार में प्रकट होती है। किसकी? बोले परमेश्वर की रोशनी। परमेश्वर की रोशनी। किसकी रोशनी? परमेश्वर की रोशनी। किसके अंदर है? बोलो मेरे अंदर। मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी अंधेरे को जीना चाहते हो रोशनी को? रोशनी को। अपनी लाइफ में बच्चों के पास, हालेलुया, आप भी चाहते हो बच्चों के पास उनके जीवन में हर एक चीज हो, हर एक अच्छी चीज हो, हालेलुया, चाहते हो कि नहीं चाहते? तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों के पास हर एक अच्छी चीज हो, हालेलुया। आपने उस रोशनी को जो आपके अंदर डाली गई परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आप बाइबल में विश्वास करते हो ना, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर डाला गया उसका विश्वास करना, उस रोशनी का क्या करना आपने? विश्वास करना। उसकी खुशखबरी का क्या करना आपने? विश्वास करना। यही यीशु मसीह की खुशखबरी है, रोशनी की खुशखबरी। पढ़ना रखी लिखा, क्यों जो असी अपना ता नहीं सगो मसीह यीशु दा प्रचार करते हाँ, पर यो प्रभु है अते असी आप यीशु दे निमित्त तुहाडे दास हाँ, क्यों जो परमेश्वर जिन्हें आख्या सी जो हनेरियों चानण चमके ओ साडे मना विच चमकिया, ओ साडे मना विच चमकिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह का विश्वास कर लिया वो रोशनी आपके अंदर एंटर कर चुकी है। आमीन। अगर आप खुद ही तैयार हो कि मेरे अंदर बीमारी का अंधेरा है, मेरे अंदर कमजोरी का अंधेरा है, मेरे अंदर गरीबी का अंधेरा है, अब खुद ही तैयार हो, तो फिर उसका मेरे पास ना कोई परमेश्वर के पास हल है। आपके अंदर किसकी रोशनी है? बोले परमेश्वर की रोशनी। परमेश्वर की रोशनी। किसकी रोशनी आपके अंदर है? परमेश्वर की। अभी रोशनी को इस्तेमाल करना कि नहीं करना? हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की, बादशाह दहीजा, हालेलुया। अभी ऐसा मत सोचो आप रस्सी के साथ नहीं बंधे हुए हो, हालेलुया। हाथी वाला काम मत करो कि मैं बंधा हुआ हूं, मत करो। शैतान के साथ किसी भी रीति के साथ आप बंधे हुए नहीं हो, बिल्कुल उसका कनेक्शन आपसे कट चुका है। उसके झूठ को मानना बंद कर दो, हालेलुया, कट चुका उसका कनेक्शन आपके साथ, हालेलुया। दूसरा कंथियों 5 उसकी 19-20-21 पढ़ें, लास्ट वचन पढ़ें। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? मसीह यीशु में होकर आपका और मेरा मिलाप किसके साथ कर लिया? खुद के साथ, हालेलुया। हां जी। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया। वो आपके पापों को नहीं देखता, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, साढ़े को यह गलती होगी, साढ़े को यह गलती होगी, हमसे ये गलती होगी, ओहो हमसे ये गलती हो गई, हालेलुया। तो बाइबल में साफ लिखा परमेश्वर किसी भी गलती को नहीं देखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करो, अगर आप जानबूझ के पाप करोगे तो उसके लिए परमेश्वर भी नहीं आपको छुड़ाएंगे। फिर आगे, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमें हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर से आपको विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। फिर से पढ़ना इसको पंजाबी, बहुत लिखा 19-21 पंजाबी, बहुत लिखा। अर्थात परमेश्वर ने मसीह विच होके जगत नू अपने नाल मिला लिया अते उन्ना दे प्रादां दा लेखा नहीं कीता अते उसने मेल मिलाप दा बचन सानू सौंप दिता। असी मसीह दे एलची हाँ, पई जानो परमेश्वर साडे राही मिन्नत करदा है। परमेश्वर साडे राही की करदा? बेनती करदा तुहानू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे जरिए आपकी क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है आपकी। परमेश्वर मेरे जरिए क्या कर रहा है? आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है आपको बचाने के लिए। प्रभु का दास क्या लेगा? परमेश्वर मेरे जरिए क्या कर रहा है? आपकी मिन्नत कर रहा है। परमेश्वर ताडी की कर रहा है? मिन्नत कर रहा है। बाइबल जी लिखा, हाँ जी। सो असी मसीह वालों बेनती करते हाँ
जो तुसी परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लो, जो तुम परमेश्वर की रोशनी के साथ मेल मिलाप कर लो, ना के अंधेरे के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरे के साथ नहीं, जो परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर के वचन की रोशनी, हालेलुया, उसके साथ तुम क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। आमीन। जोरदार महिमा करेंगे परमेश्वर जी की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लोगों की मिन्नत कर रहा है कि तुम क्या करो, मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। जोरदार महिमा करेंगे परमेश्वर जी की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। अभी करना क्या आपने, हालेलुया, अपनी नौकरी आपको जो चाहिए उसको डिजाइन करो, मुझे ये नौकरी चाहिए। हालेलुया, अपनी स्टडी के साथ देख लो आपको कौन सी नौकरी चाहिए, उसको लिख लो। आप कौन से देश में अपने बच्चों को भेजना चाहते हो वो लिख लो। हालेलुया, आपको कैसा घर चाहिए, कितने उसमें कमरे हो, कैसी किचन हो, ये सारा कुछ हालेलुया लिख लो एक जगह पे। हालेलुया, कितने धनराशि आपको हर महीने चाहिए बढ़िया जिंदगी बिताने के लिए, वो धनराशि अपने लिए लिख लो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी आप खरीदना चाहते हो वो अपने लिए लिख लो। अपनी लाइफ को डिजाइन कर लो कि परमेश्वर मैं ये जीना चाहता हूँ, ये जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी है। हालेलुया, आपने करना क्या, उस लाइफ को डिजाइन करके रोज उसके लिए प्रार्थना करनी कि ये काम मेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में हो चुके हैं, ये वीजा मेरे बच्चे का यीशु मसीह के नाम में हो चुका है, ये मैरिज मेरी यीशु मसीह के नाम में हो चुकी है, ये मेरी लड़की के लिए, मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए रिश्ता स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या करना, रोज उसके ऊपर प्रार्थना करनी है। क्या करना, रोज रोज क्या करनी है, आप अपनी लाइफ को चेक करना कि चेंज होता है कि नहीं होता फिर। हालेलुया, क्योंकि वो अपने वचन की खुद गवाही देगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या करो, नए जीवन के रास्ते चलो। हालेलुया, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि आप अपने जीवन को नए स्थानों पर, हालेलुया, नए स्वर्गीय स्थानों के ऊपर लेके जाओ। हालेलुया, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना, तो पहले हम ही कर लेते हैं। हालेलुया, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो शुरुआत करेगा, कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे बाद मुझसे बड़े काम करोगे, तो कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। हालेलुया, तो मैंने कर दिया फिर। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं भी संसार में हूँ। बोले, जैसा यीशु मसीह है, जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं भी संसार में, मैं भी संसार में हूँ। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपने जैसा बना लिया मसीह में। आमीन। वो सिर है तो आप उसकी क्या हो, बॉडी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सर कौन है, सर कौन है कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। देही कौन है, मसीह की देही, यानी कि आप। सर और बॉडी अलग है कि एक है, सर और बॉडी एक ही है कि अलग है, एक ही बंदे की है दूसरे की है, एक ही बंदा हो, कौन, यीशु मसीह, परमेश्वर। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की। मसीह ने, हालेलुया, मसीह ने, यीशु मसीह ने आपको क्या किया, अपने जैसा बना लिया। आमीन। अपनी देही बना लिया, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। आपने क्या करना, उस वचन का, उस सच का, उस प्रकाश का क्या करना, विश्वास करना कि जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं भी संसार में हूं, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है। परमेश्वर अकेला यीशु मसीह नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है वैसा मैं भी संसार में हूं। आमीन। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर जी की प्रार्थना। हालेलुया, भाई किसी ने तो शुरुआत करनी थी। हालेलुया, सीखना तो था किसी ना किसी ने। हालेलुया, रब शदी जबर शदू, मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परंजा शदी जकल बकलो शदी लू शदा जब बही दकराता शदी जकल बुकल बा शदी वाला शदी जबर शदू जबाही दकला बा शबी जकल हो जा ब्राशा दा सबहु शबा शादी जाला बहु क्रबा शादी जकर बा शादी जकल बा शादी जबर बहु शदी से एक बार खड़े हो जाएं। परंजा शदी जबर शबा शादी जबी सकर बला शदू जबला ब्ला शदा सबला क्लाश हो जा अरे ही उसी बेला का बर शदी जकल बकलो शदी जा ओ रबा शबा शादी जब। हालेलुया, ओ रबा शदा ही जबर क्लार सोबा ही बाला कर शादी जाला बहु क्रबा ला जी जोर जाला बहु पकड़ा लिया लड़ी जब ओ रबा शबा बही बाला शोध शदी जा रही जब ब्राशा दू बा शबा शबा आयो आत्मा के साथ जल्दी जल्दी ब्राशा न बही रंग ब्रागा नबा शदही जबा शुद जबले अला बा शदही जबल बा शदही ज ब्रा शदही बकलो शबा शदही जकल बकला शदही ब्र
प्राशद ही जबशद ही जकल मकलोटी सबलबाशद ही जकरबाही दकलाडू जवही द और अबाशबाही बलाकुलु शंदाशद ही जकल बकदू शद ही ज हालेलुया फैमिली कर्सेस फैमिली कर्सेस हालेलुया जिनके घर में बीमारियां थी उनके मम्मी को डैडी को थी उनके बच्चों को आ गई उनके बच्चों को आ गए हालेलुया 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 आपके जीवन से अभी के अभी वो फैमिली कर्स खत्म है यीशु मसीह के नाम आमीन फैमिली कर्स आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में टूट चुके हैं आमीन लहू सबस थोड़ी ब्रास शादा जबल बाशदी जकल बकरू सही दीज ओ रबा शबा शदी जबल बा प्रार्थना करो प्रसाद अभी जा अब सभी प्रार्थना करो प्रसाद बहु शबल बाही दा क्लोबे दा क्लेजा ओ रबा शबा शदा शबही दा क्रूर जब कही जा की सुन लबा शुबा कला बाशदी जा शिदु जबल बाही जा लबा शबा लहू शबा बाही दा कही जा आपके मनों के अंदर में नया मन हालेलुया हालेलुया कमांड करता हूं कि आपके अंदर नया मन आ चुका है यीशु मसीह के नाम में वो रोशनी से भरा हुआ वो प्रकाश से भरा हुआ वो सामर्थ्य से भरा हुआ मन आपके अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन नया बन रहा है यीशु मसीह के नाम में आप नए साधनों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में नई चीजों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में नई नई अनॉइंटिंग आपके ऊपर खुल रही है यीशु मसीह के नाम में नया सामर्थ्य आपके अंदर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में नई नई चीजें आपको मिल रही है यीशु मसीह के नाम में नया फेद नया विश्वास अविश्वास वाला जीवन खत्म है आपका जीवन यीशु मसीह के नाम में नया फेद आपके अंदर एंटर कर रहा है यीशु मसीह के नाम नया विश्वास आपके अंदर मैं जाता रहा हूँ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में नए फल आपको मिल लग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में नए फल आपको मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में नए मन से आप भरते जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में दुष्टता पाप आपके जीवन से कट रहा है यीशु मसीह के नाम में मैं प्रेम से शांति से भरता हुआ आपका मन देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आप भरते जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में गरीबी आपके जीवन से खत्म है यीशु मसीह के नाम में आप नए रस्तों से ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में नए नए रस्ते आपके लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में धन के रस्ते आपके लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में नौकरी कारोबार वीजा आपके लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में बरकत ठहर रही है यीशु मसीह के नाम में आप नई बरकत के साथ भर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में नई नई बरकतें आपके लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग के राज से बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी नौकरी आपके लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े ऑफर आपको मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में बड़ी गाड़ियों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में नई गाड़ियों के साथ ब्लेस हो आप यीशु मसीह के नाम में जिनके शरीरों में रोग है हालेलुया आपकी बॉडीज नहीं बन रही है यीशु मसीह के नाम में आपके नए अंग बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में जिनके पास बच्चों की ब्लेसिंग नहीं है नई नई बरकत के साथ आपको बच्चे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में प्राशाबाला क्लू शदी सा दुरिया का बका का गहू का बका बका ईसा का बहुबा प्राशाबाबाई बाबा बहिजा आपका पाप का मन आपको छोड़ के जा रहा है आपका मन नए बन चुका है यीशु मसीह के नाम में आपका मन नया बन चुका है यीशु मसीह के नाम में तो वो शुभलाबाज सात सौ वाला पास सीधा सीधा ईसा जिनको डेंटल प्रॉब्लम है आपकी डेंटल प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम में आपके नए दांत उग रहे हैं बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे लोगों के ना ऑर्गेन्स जैसे बॉडी में छोटे बड़े होते हैं अंग हालेलुया मैं किसी भाई को देख रहा हूँ गुप्त अंग उनके प्रॉब्लम थी कोई हालेलुया हालेलुया और जिन बच्चों के या जिन बहन भाइयों के हालेलुया अंग छोटे बड़े हैं जिनके हालेलुया हालेलुया आपके अंग बढ़ रहे हैं सही जगह पर सही दिशा में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आपकी आंखों की अगर टेढ़ी मेढ़ी हालेलुया आप भी आपकी आंखें सीधी हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में अगर आपके कानों पे पर्दा आ गया वो पर्दा हट चुका है यीशु मसीह के नाम में कानों पे अगर पर्दा आ गया तो वो पर्दा हट चुका है यीशु मसीह के नाम में जिनके बालों के रोग है बालों के रोगों से ज्यादा यीशु मसीह के नाम में बालों के रोग आपके चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में रूपा शबा बाहि सपा पहु कपाला का ऐसो क्लीम टून सियम ले ही जा सीधी
जिनके आंखों के रोग हैं उनकी आंखों की नई रोशनी उनके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जिनका ब्रेन काम करना बंद हो गया हालेलुया, जिनको सर दर्द रहता है हालेलुया, हेडेक वो माइग्रेन आपके जीवन से खत्म है यीशु मसीह के नाम में। आपका ब्रेन नया बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। बच्चों की तरह फ्रेश आपका माइंड बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। रोबो शबो शुबो शुबो शब शबीजा, हर तरह का बोझ आपके मन से खत्म है यीशु मसीह के नाम में। तबो शब कमांड देता हूँ प्राण जा जा बाहुबा, परमेश्वर की शांति आपके अंदर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, पर मैं मसीह की शांति आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लोगो शबला पाशा खाना खाने के बाद जिनके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है हालेलुया, अभी के अभी आजाद है यीशु मसीह के नाम में। फूड पॉइजनिंग आपके जीवन से खत्म है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी बैक की प्रॉब्लम है बैक प्रॉब्लम जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपके टांगों के रोग आपको छोड़ के जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग की ओर से आपके लिए प्रबंध हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नई जगह के लिए, नए काम के लिए, नई नई चीजों के लिए आपके लिए स्वर्ग से रास्ते खोल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। लोपो शुपो लोपो पापी लाबा कदूशा बकला कदूशा कला कला मका इन लोग लाइजा, ये नई नौकरी आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। नए काम आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। ये वीजा आपको मुबारक है यीशु मसीह के नाम में। ये नया जीवन आपको मुबारक है यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन।